महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं। प्रिय श्रोताओं, कनकधारा स्तोत्र को हिंदी में सुनने से पूर्व आइए हम सर्वप्रथम यह जानते हैं कि इस स्तोत्र की रचना किस प्रकार हुई थी। इस कथा को सुनने के पश्चात आपको यह भान होगा कि यह स्तोत्र कितना प्रभावशाली है और इसका पाठ करने से माँ महामाया लक्ष्मी कितनी शीघ्र प्रसन्न हो अपने भक्तों को धन वैभव और संपदा से युक्त कर देती हैं। एक समय की बात है, आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने दोपहर के भोजन के लिए घर घर भिक्षा मांगने गए। एक घर में भिक्षा मांगते समय एक बहुत गरीब ब्राह्मण महिला दरवाजे पर आई। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उनसे भिक्षा मांगी, तब महिला ने अपने घर में बहुत ढूंढा पर उसे कुछ भी खाने के लिए न मिला। अंत में ढूंढते ढूंढते कुछ मिला तो केवल एक सूखे आंवले का फल। इस महिला ने प्रेम पूर्वक वही आंवले का फल आदि गुरु शंकराचार्य जी को दे दिया। आदि गुरु शंकराचार्य उस महिला की दया और निस्वार्थता देख इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की प्रशंसा में एक स्तोत्र का पाठ किया जिसे हम कनकधारा के नाम से जानते हैं। कनकधारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। इस प्रकार माता के इस स्तोत्र द्वारा प्रार्थना पूरी होते ही उस ब्राह्मण महिला के घर सोने के आंवलों की वर्षा होने लगी और वह महिला माँ महालक्ष्मी की कृपा से बहुत धनी हो गई। महाकवि कालिदास जी ने भी कहा है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये, अर्थात विश्व में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्तुति से प्रसन्न न हो जाता हो। तो आइए हम प्रेम पूर्वक माँ महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि नारायण का ध्यान करते हुए इस कनकधारा स्तोत्र को शुरू करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे भ्रमरी अधकिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरारी श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण वापस लौट आती है, वह समुद्र कन्या माँ महालक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं, मूर नाम के दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं, तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती हैं, वह माँ लक्ष्मी जी के अधकुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जिनकी पुतली और भौहें प्रेम के वशीभूत हो, अधकुले नेत्रों से एकटक देखने वाले आनंदकंद सच्चिदानंद श्री मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेष पर शयन करने वाले भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी माँ कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती रहती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर
वक्षस्थल पर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोगों की जननी है, उन भगवती माँ लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। समुद्र कन्या माँ कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अधोर न मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह दृष्टि यहाँ मुझ पर भी पड़े। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। भगवान नारायण की प्रेयसी माँ लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना माँ पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमय दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है, रमणीय गुणों की सिंध रूप रति के रूप में आपको नमस्कार है, शतपत्र वाले अर्थात 100 पत्तों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा माँ रमा को नमस्कार है तथा भगवान पुरुषोत्तम की प्रेयसी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। कमल के समान मुख वाली माँ महालक्ष्मी देवी को नमस्कार है, क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनिया माँ रमा को नमस्कार है, चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है, भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्दत है, मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती हैं, श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप माँ लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। भगवती हरि प्रिये, आप कमल वन में निवास करने वाली हैं, आपके हाथों में नील कमल सुशोभित होता है, आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हैं, आपकी झांकी बड़ी मनोरम है, त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से
जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी माँ लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करता हूँ। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी माँ कमले, मैं अकिंचन अर्थात दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, अतएव आपकी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान अपने कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी रूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वे इस भूतल पर महान गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं, तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार गुरु आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह कनक धारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए, माँ महालक्ष्मी की जय, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की जय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह स्तोत्र पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा इसी प्रकार और भी स्तोत्रों को हिंदी में सुनने के लिए मंत्र सरोवर चैनल को सब्सक्राइब करें। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम।